नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे चिच्चोर और बजरंगबली फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं बजरंगबली फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बजरंगबली सन 1976 में आई एक फैंटेसी माइथोलॉजी फिल्म थी। इस फिल्म में विश्वजीत, मौसमी चटर्जी, दारा सिंह, दुर्गा खोटे, मास्टर अजय, मास्टर अलंकर, दुलारी, सुमित्रा देवी, रंधावा, असित सेन और प्रेमनाथ नजर आए थे। इस फिल्म को चंद्रकांत ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। इस फिल्म को 22 सितंबर सन 1976 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 30 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 72 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 33,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 4 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 85 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस वक्त 26वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिए थे और इसके लिरिक्स प्रदीप ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाए थे। अब जानते हैं चिच्चोर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चिच्चोर सन 1976 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अमोल पालेकर, जरीना वहाब, एके हंगल, विजेंद्र गढ़ के, दीना पाठक, ऋतु कमल, मास्टर राजू और शैल चतुर्वेदी नजर आए थे। इस फिल्म को बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था ताराचंद भरजातिया ने और इस फिल्म की कहानी सुबोध घोष ने लिखी थी। इस फिल्म को 29 मई सन 1976 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 45 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 95 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 38,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 6 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 1.15 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 20वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक रविंद्र जैन ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 4 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म के सभी गानों को KG येसुदास ने गाए थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए KG येसुदास को गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा वाले गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था तो मास्टर राजू को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला था। साथ ही हेमलता को तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले वाले गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म का रीमेक बाद में सन 2003 में भी बनाया गया था जिसका टाइटल मैं प्रेम की दीवानी हूँ था। नंबर 2, इस फिल्म से जरीना वहाब को काफी पहचान मिली थी और ये फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई थी। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।